अजय श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर बजट इवेंट से भरा हुआ है या थोड़ा थोड़ा इवेंट होगा और मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? बिल्कुल सीधा सवाल है सर, नमस्ते। देखिए नमस्ते, बड़ी सिंपल सी बात, अगर आप मेरे बाल देखेंगे तो बहुत सारे बजट देख चुका हूं लाइफ के अंदर में तो, और अभी भी बरकरार है बाजार के अंदर में। तो यू नो बजट देखिए, सरकार के पास में कोई इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, जो लोग कहते हैं बजट में क्या डिसीजन लेगी, कैपिटल गेन का डिसीजन एक है, बट अगर आप फिस्कल का देखेंगे तो इतना कोई पैसा नहीं उनके पास में कि आप कोई नई स्कीम या कुछ लॉन्च करेंगे। बजट को उम्मीद यही है कि भाई आप रेलवे की थीम को, डिफेंस की थीम को, पीएसयू की थीम को, कैपिटल गेन को ऐसे ऐसे ही रखेंगे, अगर थोड़ा सा इनकम टैक्स स्लैब के अंदर में रिलीफ दे देंगे और रूरल इंडिया को जो रिलीफ देंगे, और उसका एक सिग्नल जो बड़ा क्लियर है कल के इकोनॉमिक पॉलिसी में कि गवर्नमेंट कह रही है कि इन्फ्लेशन को आप फूड प्राइसेस एक्सक्लूड करके देखिए, मतलब अब बड़ा क्लियर इंटेंशन है गवर्नमेंट का कि फूड प्राइसेस में बढ़ावत आएगी इंडिया के अंदर में, और इसलिए इन्फ्लेशन इंडेक्स में थोड़ा सा उनको चेंज चाहिए है। देखते हुए आई थिंक रूरल स्टॉक्स, एग्रीकल्चर स्टॉक्स के पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, रेलवे के खर्चे उतने ही बरकरार रहेंगे, ग्रोथ में देखना है कितना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आई थिंक पीक पे पहुंच गए, 11.5 लाख करोड़ का खर्चा है, तो उसके पेंशन तनख्वाह इंटरेस्ट के बाद में जस्ट लाइक आपका हाउसहोल्ड बजट है, बचता क्या है सरकार के पास में कोई नई चीज करने के लिए? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है अजय भाई, लेकिन फिर मेरे को ये बताइए कि ये जो नई थीम की चर्चा कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिलेगा, ईवी को बढ़ावा मिलेगा, एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला सिस्टम चल रहा है अभी, इन सब में कुछ है भी ग्रीन इशूज? ये लंबी स्टोरी तो है, समझ गया मैं आपकी बात, बट इनमें कुछ है दम अभी? देखिए एथेनॉल में तो बिल्कुल भी दम नहीं है, बिकॉज एथेनॉल का अगर फूड से अब यूज करेंगे तो प्रॉब्लम है, सरकार ने भी बैन किया हुआ है कि आप फूड क्रॉप नहीं कर सकते यूज। शुगर की आपको पता ही है कि कमी के ऊपर में उन्होंने बैन किया था एथेनॉल का, तो एथेनॉल की स्टोरी तो गवर्नमेंट पॉलिसी इतनी लिंक्ड है कि किसी निवेशक को उसमें डालना बड़ा मुश्किल है पैसा, कल को पॉलिसी चेंज होगी आपकी इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की 10 रुपए की रह जाएगी। बट ईवी की पॉलिसी देखते हुए हमें लगता है कि पीएलआई इन ऑटो किसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज हमारी ऑटो सेक्टर इंजीनियरिंग सेक्टर का ग्रोथ भी अच्छा रहा है, कंपनियां बेहतरीन काम कर रही हैं, यूरोप में एक्सपैंड कर रही हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी होती है उससे, तो आई थिंक मोर देन ईवी और पीएलआई, आई थिंक पीएलआई ऑटोमोटिव के लिए अगर गवर्नमेंट एलोकेशन बढ़ाती है उससे आई थिंक हमारे पूरे पोर्टफोलियो में जो ऑटो का ड्रिवन पोर्टफोलियो फायदा होगा और कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो बहुत उम्मीद है कि पीएलआई इन ऑटो में काफी इजाफा होगा इस बजट के अंदर में। सर आपने कहा कि गुंजाइश नहीं है सरकार के पास, मतलब वो हेडरूम अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब अगर हम फिस्कल की बात करें तो क्या ये संभव है कि नहीं वित्तीय घाटे को सरकार थोड़ा सा और बढ़ने देगी? और जो की एरियाज हैं जहां पर सरकार का कमिटमेंट भी है, रेलवे है, बाकी और टेक्सटाइल है, ऐसी जगहों पर पैसा डाल देगी? 100% डालेगी, बट फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ेगी। आई थिंक एक चीज सरकार ने बड़ी क्लियरली रखी हुई थी अपने लिए टारगेट में कि फिस्कल ग्लाइड पाथ हम कंटिन्यू करेंगे, और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो हमारी बॉन्ड की थी वो सरकार की बहुत बड़ी एक वो थी, टारगेट था, वो पूरा भी हुआ है, अभी हम इंडेक्स में बॉन्ड में आए, और सरकार की स्टेटेड पॉलिसी है कि हम अपनी रेटिंग को बढ़ाएंगे ग्लोबल मार्केट के अंदर में, उसको देखते हुए हमें नहीं लगता कि फिस्कल डेफिसिट में कोई होगा। हाँ रीएलोकेशन होगा पैसे का, जरूर कुछ पैसा इधर का उधर जाएगा, उधर का इधर आएगा, बट आप ये भी देखिए ना कि अगर आपने पिछले 5 सालों में 20-30 लाख करोड़ की रोड बना ली तो अब उतनी 30 लाख करोड़ की रोड की जरूरत अब शायद नहीं है आपको, तो वही पैसा जो पहले रोड में जा रहा था वो शायद पीएलआई में जाएगा और जगह जाएगा। पीएलआई पर सरकार का फोकस थोड़ा सा बढ़ सकता है, और हम चर्चा सुन भी रहे हैं कि मतलब कुछ कुछ जगहों पर पीएलआई को फिर से ओपन भी किया जा रहा है, चाहे टेक्सटाइल वाले शेयर फोकस में रहेंगे। वैसे अजय सर बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से अपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। सर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं और सीईओ हैं इक्विटीज एडवाइस से, त्रिदीप बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर आपकी एक्सपेक्टेशन बजट की और बजट के बाद मार्केट रिएक्शन? सर से बजट में ये जो विकसित भारत 2047 का इनका लॉन्ग टर्म ड्रीम है उसका जो एक पाथ होगा वो थोड़ा देखने को मिलेगा, फोकस रहेगा मेरे रेलवेज, कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन इस बार जो थोड़ा सा इनको क्योंकि मैंडेट थोड़ा सा फ्रेजाइल आया है, थोड़ा सा रूरल फोकस स्पेंडिंग भी होने को हो सकता है जो मेरे ख्याल में थोड़ा मार्केट के लिए सरप्राइज होगा। मेन चीज़ ये है कि कितना इन दोनों में बैलेंस रखते हैं, ग्रोथ वर्सेस पॉपुलिज्म, ये दो चीज़ में अगर ज़्यादा पॉपुलिज्म की तरफ झुके तो मार्केट उसको शायद नेगेटिवली लेगा, लेकिन अगर उनका कैपेस ग्रोथ की तरफ पथ बना रहे तो मेरे ख्याल से ओवरऑल मार्केट इसको पॉजिटिवली
ट्रीट करेगा, क्योंकि उसको सोचा जाएगा कि ये पॉलिसी कंटिन्यूटी है। तो नॉर्मल बजट के कंपैरिजन में ये वाला बजट थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दर्शाएगा कि गवर्नमेंट ये जो थोड़ा सा फ्रेजाइल मैंडेट आया है उससे कितने हद तक इम्पैक्ट हुई है या हुई है भी या नहीं। चूंकि फंड हाउस में मैनेज कर रहे हैं तो जरा ये बताइए कि जो म्यूचुअल फंड वाले जो इन्वेस्टर हैं जिनके पास अपना कॉर्पस पड़ा है, अब उनको इन्वेस्ट करना है, तो आज बजट का इंतजार कर लें, बजट स्पीच हो जाने दें, फाइन प्रिंट्स आ जाने दें, जो भी स्ट्रेटजी बनानी है कल करेंगे। मेरे हिसाब से चूंकि मार्केट थोड़ा चढ़ा हुआ है, मार्केट ऑलरेडी क्या बोलते हैं क्लोजर टू ऑल टाइम हाई है, एक बार बजट का फाइन प्रिंट देखने के बाद निवेश करना चाहिए। हो सकता है कि हमें अच्छा खासा, पिछले अगर आप 3 महीने में देखें इतना अच्छा खासा बढ़ाव मिला है, थोड़ा सा बेहतर लेवल मिल जाए। बट ओवरऑल अगर आप देखिए इसमें ना जो लॉन्ग टर्म पिक्चर है वो इन्वेस्टर के दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और वो लॉन्ग टर्म पिक्चर ये है कि सेम गवर्नमेंट है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, पर मोटा मोटी वी ऑल नो कि ग्रोथ के जो डायनामिक्स हैं वो कैपेक्स के तरफ ही रहेगा। उसमें थोड़ा सा अगर ढील देखने को मिला तो शायद हम लोगों को थोड़ा करेक्शन देखने को मिले, तो इसलिए फाइन प्रिंट देखना मेरे ख्याल से एक बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। बट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रह के सोचें तो उस जो अगर डिप मिले उसको इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए रैदर देन मार्केट से बाहर रहें, क्योंकि अगले 3 से 5 साल इंडिया के जो अर्निंग्स ग्रोथ होगी वो मेरे ख्याल से दुरुस्त होगी, और उसमें हमको मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा डिप्स में एक्युमुलेट करना बेस्ट स्ट्रेटेजी है आज के डेट में। नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। जैसा कि आपने बोला कि रूरल इनकम पे ज़्यादा फोकस रह सकता है, तो कोई सेक्टर जो कि आप हाईलाइट कर पाएंगे, क्योंकि कई सारे लोग एफएमसीजी को भी एक अच्छा प्ले मान रहे हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कुछ के रेडार पे है, पर कोई ऐसी थीम्स जहाँ पे आपको लगता है कि ये मनी का सही इस्तेमाल हो सकता है, उस सेक्टर के लिए ये खबर पॉजिटिव हो सकती है? चीज़ों को अगर आप का एक सेंटर पॉइंट पकड़ें तो बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए बजट में थोड़ा रूरल स्पेंड, फिर मान लीजिए जैसे बारिश हुई तो मॉनसून के बेहतर रिकवरी से जो बेनिफिट करते हों, और जो मिड टू लोअर स्ट्रेटा को बेनिफिट करते हों, तो कुछ ऐसे, अब स्टॉक के नाम तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स हैं जिनके की और जिनका जो पोर्टफोलियो है वो रूरल सेलियंस जिसको कहते हैं, जो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा बिकते हैं, वो डिस्क्रिशनरी साइड में, और ओवरऑल एफएमसीजी जैसे आपने कहा उसमें पर्टिकुलरली जिनका रूरल से अर्निंग्स ज़्यादा आता हो, ये दो जगह ऐसे हैं जो ये काफ़ी जगह फिट होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में अगर आप अगले 3 से 6 महीने का रुझान देखें तो यहाँ अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सर जरा आप ये बताइए कि यहाँ से अभी कौन से सेक्टर हैं जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा सावधान रहना चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग आएगी बजट के बाद? लगता है डिफेंस और रेलवेज में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि ये काफी चल चुके हैं। हमने देखा है कि इंटरिम बजट में ऑलरेडी एलोकेशन डिस्काउंटेड कितना होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि यहां से इंक्रीमेंटल और ऐड होगा उसमें। मुझे लगता है ज्यादा करके वाटर थीम और पावर थीम ये दोनों चलेंगे, और डिफेंस एंड रेलवेज में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। इसी प्रॉफिट टेकिंग के लिए आप तैयार, ये थोड़ा सावधान होकर आपको पोजीशन बनानी चाहिए।